बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट पे रिव्यू करूँगी वो है रोज़ ऑयल यानी कि रोगने गुल। इसकी मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी क्योंकि ये भी काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल की तरह ऑयल होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए आज जानेंगी आप इस वीडियो में, और साथ साथ मैं इसका रिव्यू करूँगी, आपको अनबॉक्स करके दिखाऊँगी बेनिफिट्स, प्राइस, यूजेस और साथ साथ इसका जो है इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये तेल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। रोज़ ऑयल का मतलब यानी गुलाब का तेल अहम किरदार अदा करता है आपकी स्किन को वाइटन, टाइटन और लाइटन बनाने में। बट इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो पर डायरेक्टली उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे मैं बताऊंगी, आप वैसे यूज़ कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, इसे खोल कर दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। सो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये एक यूनानी जो है वो ऑयल है। उसके बाद इसमें लिखते हैं कि इसकी मालिश दिमाग की गर्मी दूर करने के लिए यूज़ की जाती है, साथ साथ आपके दिमाग को ठंडक पहुंचाती है, उसके बाद आपके जो सर की खुश्की वगैरह है उसे दूर करती है, सर दर्द के लिए बहुत मुफीद है, कान दर्द के लिए मुफीद है, दांत दर्द के लिए मुफीद है। और इसकी तरीका इस्तेमाल अंदर डिब्बे के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि ये आपके बहुत सारे काम आ सकता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकेटेड चीज़ें भी होती हैं जो कुछ लोगों पर असर नहीं करती, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे आप फॉलो करते हो तो आपके जो मसले हैं वो हल हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी इस ऑयल की। अब आप देखिए, ये डब्बे के अंदर से मैंने बॉटल निकाली है, ये कुछ इस तरह की है। अब मैं इसे खोलूँगी और आपको इसको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कंसिस्टेंसी किस तरह की है। सो गाइज़, इसको मैंने जब अनबॉक्स किया तो ये देखिए, ये इस तरह का ऑयल निकला है, कुछ येलोइश कलर का। और यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है। नॉर्मल ऑयल जो होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी थिक है। और मैंने जो जितने भी एसेंशियल ऑयल देखे हैं उनकी थोड़ी सी जो थिकनेस होती है, उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिकनेस होती है। और बाकी तेलों में जैसे कि नॉर्मल आप आलमंड ऑयल या आप कोकोनट ऑयल ले लें तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। तो मैं उसी कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ कि इस इनकी जो एसेंशियल ऑयल होते हैं इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक पाई जाती है, चाहे उसमें लेवेंडर ऑयल हो या फिर रोगने गुल हो या टी ट्री ऑयल हो। सो इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी ऐसी होती है कि जैसे आप फेस पे लगाते हो तो वो ड्रॉप की तरह गिर नहीं रहा होता, आप जब टैप टैप करके लगाते हो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन इनको डायरेक्टली भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इसके इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि इसको इस्तेमाल या तो आप किसी तेल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सर की खुश्की के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 3 से 4 चम्मच आप दूसरा ऑयल लीजिए, आलमंड ऑयल हो, जैतून का तेल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो। मैंने तमाम ऑयल के ऊपर रिव्यू किए हैं, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं। आप अपने सर की स्किन टाइप के मुताबिक आप कोई ऑयल चूज़ कर सकते हैं, रिव्यू वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सो आप उस ऑयल के अंदर इसको 1 चम्मच मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वान्टिटी 3 से 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, 4-5 चम्मच और इसकी 1 चम्मच मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको कान दर्द के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो ड्रॉपर आता है 1 से 2 ड्रॉप जस्ट आपने अपने कान में डालने हैं हल्का सा नीम गर्म करके, तो फिर आप इसको अगर आपके कान में दर्द है तो उस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर में दर्द के लिए आप हल्का सा हाथों पर लेकर हल्की सी उंगलियों पर 2 उंगलियों पर लगाकर सर के ऊपर जो है वो आप टैप टैप करके दबाकर मालिश कर सकते हैं। सर पर लगा के मालिश करेंगे दूसरे तेल के साथ तो आपका सर दर्द और खुश्की भी कम होगी। कान के दर्द का भी मैंने बताया, दांत दर्द के लिए भी मुफीद है। आप दांत दर्द के लिए इसको फिंगर टिप्स की मदद से या किसी ऐसी स्टिक की मदद से जिस पे कि आप
जैसे कि टूथपिक होती है उसकी मदद से अपने दांत पे लगाएं तो उससे भी जो है वो आपको आराम आ जाएगा। अब यहाँ पर फेस की बात की जाए, स्किन के लिए इसको कैसे यूज़ करना है। स्किन के लिए यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। स्किन के लिए जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली आप जैसे घर में सीरम तैयार करते हो, एलोवेरा जेल ले लिया आपने, आलमंड ऑयल ले लिया, विटामिन ई ऑयल ले लिया, उसके साथ आपने 2 से 3 ड्रॉप इसके मिला दिए और फिर मिक्स करके आपने सीरम बना लिया, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं तो 1 to 2 ड्रॉप्स आपने जो है जस्ट अपने फेस के ऊपर लगाकर मालिश करनी है, तो इससे आपकी स्किन जो है वो टाइटन होगी, बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किन को गोरा करने में, आपके स्किन को लाइटन बनाएगा, आपके स्किन को टाइट करेगा। इसकी मसाज कर सकते हैं, 1 to 2 ड्रॉप्स भी बहुत होते हैं। आप इसको आलमंड ऑयल के अंदर जो है मिक्स करके 1-2 ड्रॉप अपने फेस के ऊपर लगाइए, मसाज कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए अपनी स्किन की, आपकी स्किन टाइट होगी। जितना रेगुलर आप मसाज करेंगे उतनी आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो ये तो है सिंपल सी इसके इस्तेमाल का तरीका, और भी बहुत तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेमेडीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी क्रीम अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में है तो 1-2 ड्रॉप इसके डाल के अपनी क्रीम में इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। गाइज इसकी प्राइस नॉर्मली अराउंड आपको 150 रुपीज़ की मिल जाएगी, बहुत आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाता है। अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर ऑल ऑनलाइन आप ब्यूटी से रिलेटेड शॉपिंग कर सकते हैं अपनी, चाहे कोई भी आपका स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, किस कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, बआसानी आपको घर में जो है वो ईज़िली मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, बात करूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स मैं यहाँ सबसे पहले मेंशन कर दूं कि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बआसानी फेस पे भी और अपने हैंड्स एंड फीट के लिए भी। जैसे कि आपने किसी तेल में मिला लिया और अगर आप उस तेल के अंदर इसको मिला कर कोकोनट ऑयल को रात में अगर आप लगा कर सो जाए अपने हैंड्स पे, तो ये हाथों को भी नरम मुलायम और आपकी इसकी हाथों की जिल्द को भी टाइटन बनाएगा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की, टाइटन बनाएगा, तो आप उसमें लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले जो जिनकी ऑयली स्किन होती है वो गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बिकॉज कोई भी ऑयल हो आप गर्मियों में उसका इस्तेमाल ऑयली स्किन पे ना करें, क्योंकि ऑयली स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ऑयली स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑयल आता है, और ऑयल का ही इस्तेमाल अगर अपने फेस पे करेंगे तो उससे आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं, अगर आपके जो पोर्स हैं मसाम वो खुले हैं और उनके अंदर जो है वो तेल जाकर बैठ जाएगा तो बैक्टीरिया से डस्ट पॉल्यूशन जाएगी उसमें, तो फिर वो पिम्पल्स, एक्नी और काफ़ी सारे जो है वो कील वहाँ से बन सकते हैं। आप लोगों को नहीं मालूम होता कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपको पिंपल हुआ है, प्रोडक्ट के ऊपर नाम लगा देते हैं कि प्रोडक्ट की वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप इसको क्रीम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी क्रीम है, क्रीम के अंदर आप जो आप क्रीम बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं उसमें 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। जैसे आप विटामिन ई मिलाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको यूज़ किया जाता है वो सीरम के लिए यूज़ किया जाता है। फेस सीरम में एलोवेरा जेल के साथ यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करेंगे दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, आपके स्किन टाइटन भी होगी, क्योंकि एलोवेरा का भी किरदार होता है, कुछ हेल्प करता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में, स्किन को नरम मुलायम और साफ़ सुथरा, दाग धब्बों से फ्री बनाने में एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट रिव्यू जो मैं करूँगी वो करूँगी मैं फास्ट ग्लो के ऊपर, वो क्रीम भी बहुत अच्छी है। कौन सी स्किन टाइप के लिए अच्छी है आप लोग ये नहीं जानते, अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ऑल डिटेल्स मैंने आपको इसकी दे दी है, मैंने आपको इसको अनबॉक्स भी करके बताया, साथ साथ इसके बेनिफिट्स, प्राइस, यूजेस भी आपको बताए और साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए। एक्सपायरी डेट का ख्याल रखा करें कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो, उसकी डेट जो है वो 1 साल तक मौजूद हो, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल तक आपको 1 महीने की 2 महीने की डेट लेकर आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके लिए तो आपको चाहिए ज़्यादा टाइम हो, 2 साल 2.5 साल, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, चंद ड्रॉप्स इस्तेमाल करने होते हैं आपने। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ साइड इफ़ेक्ट्स के 2-3 जो है वो आपको बता दिए हैं कि तरीक़ों से आपने ख्याल रखना है।
उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में उसी से रिलेटेड बनाऊँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।